भाजपा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की दो दिवसीय आवासीय बैठक एवं अभ्यास वर्ग पालमपुर में आयोजित किया गया। बैठक में भाजपा के दिग्गज नेताओं व संगठन पदाधिकारियों ने अनेक विषयों पर चर्चा की तथा आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति बनाई। अभ्यास वर्ग में सांसद शांता कुमार सहित संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले मंत्रियों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों ने शिरकत की और अभ्यास वर्ग के संपन्न होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भी केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जनता को अवगत करवाया। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक हर विधानसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर पथ यात्रा के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय व चंबा सीमेंट प्लांट पर शिलान्यास जल्द से जल्द करवाया जाएगा। सत्ती ने कहा कि लोकसभा चुनावों में आलाकमान ही पार्टी के उम्मीदवार तय करेगी। पार्टी आलाकमान जब कहेगी, प्रदेश समिति चारों लोकसभा क्षेत्रों से प्रमुख नेताओं की सूची आलाकमान को भेज देगी। उनकी तैयारी के लिए अलग अलग कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर इस पार्लियामेंट के चुनिंदा लोगों की जो एक हमने लिस्ट बनाई है, पोस्ट के हिसाब से उनका व्यास वर्ग था जो ट्रेनिंग कैंप पिछले कल से अभी तक। इन कार्यक्रमों में जो आने वाला हमारा लोकसभा का चुनाव है, उसका रोड मैप क्या है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करती है और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने और हिमाचल प्रदेश की जयराम जी की गवर्नमेंट ने जो भी कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े इंस्टीट्यूशन दिए हैं, उन सब बातों को हम लोग जनता तक पहुंचाएं, उसका टोटल रोड मैप हम सब लोगों ने तैयार किया है और इसकी कड़ी में हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले समय में अभी 3 और लोकसभा क्षेत्रों की इसी तरह बंद होंगे और इसके बाद हमारे ग्राम केंद्रों के इंचार्ज हैं हिमाचल प्रदेश में 1874 हमने बनाए हुए हैं, उनके सम्मेलन होंगे पार्लियामेंट वाइज। हर पार्लियामेंट के वो लगभग 500-550 लोग होते हैं और इसके बाद हम लोगों ने 50 लाख जो वोटर हैं हिमाचल प्रदेश के, इन 50 लाख वोटर्स के हमारे जो हिमाचल प्रदेश में पेज बनते हैं वो 1,64,000 बनते हैं। उन 1,64,000 में से हमने 1,47,000 पेजेस के पन्ना प्रमुख बनाए हैं, पेज इंचार्ज, बड़का प्रमुख जिसको हम कह सकते हैं। उन पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हमारे आने वाले टाइम में होंगे, जिसमें से नवंबर में मंडी पार्लियामेंट का और दिसंबर में शिमला पार्लियामेंट का, जनवरी में कांगड़ा पार्लियामेंट का और फरवरी में हमीरपुर पार्लियामेंट का। इन सम्मेलनों में लगभग 40,000-40,000 लोग आएंगे अलग अलग सम्मेलन में, क्योंकि 1,47,000 हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर से लेकर के 30 जनवरी तक, जो महात्मा गांधी जी के जयंती से लेकर के बलिदान दिवस तक जो समय पड़ता है, हर विधानसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर लंबी पैदल पथ यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता करेंगे। 150 किलोमीटर, उसका मुख्य मकसद रहेगा यात्रा का कि जो राम राज्य की बात गांधी जी करते थे, क्योंकि 150वां वर्ष है गांधी जी का, जो राम राज्य की बात करते थे, जो गरीब आदमी की बात करते थे, उन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। तो जनता तक ये संदेश पहुंचाएं कि जिस कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर इतने सालों शासन किया, उस कांग्रेस ने गांधी जी के संदेशों को भुला करके इस देश के अंदर कभी गरीब और राम राज्य की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा देश के अंदर बड़े लोगों को, दो नंबर के लोगों को, असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया। जो महात्मा गांधी शराबबंदी की बात करते थे, इस देश के अंदर शराब की नदियां बहाने में कांग्रेस का प्रमुख योगदान रहा है।